नवरात्रि का हर दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों से संबंध रखता है। नवरात्रि के दिनों में पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। कुष्मांडा स्वरूप की पूजा और साधना करने से साधक के जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं देवी कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देवी कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए स्नान आदि के बाद उगते सूर्य को अर्घ दें। इसके बाद ईशान कोण में एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब माँ कुष्मांडा की तस्वीर स्थापित करें। माँ के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और उनकी विधि विधान से पूजा करें। माँ कुष्मांडा को फल फूल धूप आदि अर्पित करें। माँ को मालपुए का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि माँ को मालपुआ काफी पसंद है। फिर देवी कुष्मांडा के मंत्रों का जाप करें और पूजा के अंत में देवी भगवती की आरती करें।